हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo Y56 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप जो है ऐड आइकन टू होम स्क्रीन इस सेटिंग को अपना डिसेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑफ कैसे कर सकते हैं, और ये ऐड आइकन टू होम स्क्रीन सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन वॉलपेपर, इसे आपको सिलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा होम सेटिंग का, इसे आपको सिलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिलेगा ऐड आइकन टू होम स्क्रीन, इस ऑप्शन के ठीक सामने वाले बटन को आपको टैप करना है, तो ये बटन आपका जो है ना ब्लैक कलर में ऑफ हो जाएगा, यानी कि आपकी ये सेटिंग इस तरीके से डिसेबल हो जाएगी, ठीक है। अब ये सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, आप अपने मोबाइल फोन में ना अगर प्ले स्टोर से किसी भी नए ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, तो वो ऐप आपका इंस्टॉल होके आपके इस ऐप ड्रॉअर के इस ऐप के इस वाले पेज में आपका वो दिखाई देगा इंस्टॉल जब हो जाएगा तो, ठीक है। लेकिन आपके मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पे वो आपका जो ऐप है ना वो आपका ऑटोमेटिक ऐड यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिखाई देगा आपके। यहाँ पे सिर्फ जो है ना इस वाली ऐप के इस पेज में आपको इंस्टॉल होने के बाद वो ऐप आपको यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन ऑटोमेटिक आपके मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन में वो ऐप आपका ऐड नहीं होगा। ये सेटिंग जो है ना ऐड आइकन टू होम स्क्रीन सेटिंग जो है ना डिसेबल करने के बाद इस तरीके से काम करती है आपके फ़ोन में, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कैसे आप इस सेटिंग को ना अपने मोबाइल फ़ोन में आप शॉर्टकट तरीके से कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, मोबाइल का सेटिंग पेज आपको फिर से ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है ऐड आइकन टू होम स्क्रीन, जो सेटिंग का नेम है आपको यहाँ पर टाइप करना है, तो आपको नीचे ये ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लेकर आ जाता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का।